अदम एतमाद की वोटिंग टालने के लिए दी गई तजावीज सामने आ गई हैं। ज़राए ने बताया है कि गुज़िश्ता रोज होने वाले इजलास में 6 से 8 वज़रा शामिल हुए। ज़राए के मुताबिक इजलास में तजवीज पेश की गई कि स्पीकर किसी न किसी बहाने असम्बली के इजलास की कार्रवाई मुलतवी कर दे। स्पीकर या तो वोटिंग के दौरान गिनती दुरुस्त न करे या कोई बहाना बना दे। ज़राए का कहना है कि इजलास में फैसला किया गया कि मुनहरिफ अरकान के घर जाकर उनके खिलाफ नारे लगाए जाएं और दबाव डाला जाए, आईनी इदारों पर पीटीआई की हिमायत के लिए दबाव डाला जाए, हुकूमत के खिलाफ साजिश करने वालों पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। ज़राए के मुताबिक इजलास में वजीर आजम इमरान खान ने अटॉर्नी जनरल और स्पीकर से जबरदस्ती मुतालबा किया, ताहम अटॉर्नी जनरल और स्पीकर ने कोई भी गैर कानूनी कदम उठाने की मुखालफत की। ज़राए ने बताया कि वजीर आजम इमरान खान ने हिदायत की है कि इमरजेंसी नाफिज करने के लिए ऐसी कोई वजह या बहाना बनाए ताकि हमें वक्त मिल सके। ज़राए ने यह भी बताया कि वजीर आजम इमरान खान ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भी तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक हिदायत देते हुए कहा है कि शहबाज शरीफ के लिए एतमाद का वोट जल्द नहीं होना चाहिए, इसमें हत्तुल इम्कान ताखीर की जाए। अगला असेंबली इजलास अदम एतमाद के 1 माह बाद बुलाया जाए। नए वजीर आजम के इंतखाब तक मुझे ही काम जारी रखने की हिदायत करें।